तो ये चैप्टर रहेगा औषधि योग ज्ञान प्रकरण। तो इसमें किस प्रकार से किसी डिजीज में विभिन्न प्रकार की अपनी जो औषधियां हैं उनका योग करके हम उसके लिए एक वटी बना सकते हैं, एक मेडिसिन बना सकते हैं, तो किस प्रकार उनका योग करना है ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। तो सबसे पहले एक परिभाषा की बात करेंगे हम, इसकी परिभाषा क्या होगी। तो परिभाषा कि जिन योगों में खनिज औषधियाँ जो भूमि से निकलती है, खनिज औषधियाँ गंधक हो गया, पारद हो गया, तो खनिज औषधियाँ, तो जिन योगों में खनिज औषधियाँ मुख्य घटकों के रूप में ली जाती हैं, खनिज औषधियाँ होती हैं, इसे हम रस योग कहते हैं, उन्हें रस योग कहते हैं। जी हाँ, अब इसके बाद हम बात करेंगे निर्माण विधि, किस प्रकार से जो है औषधि योग जो है उसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो हमने अभी बात की है कि किस प्रकार से ये जो है योग बनाए गए हैं। अभी बात करेंगे हम निर्माण विधि क्या है। अभी परिभाषा की बात की हमने कि परिभाषा क्या होगी, तो निर्माण विधि योगों की निर्माण विधि क्या रहेगी। तो हमने बात की है कि जिसमें मुख्य घटक जो है वो खनिज औषधि रहे, लेकिन इसका मतलब ये है कि मुख्य घटक तो ये, इसके अलावा हम इसमें वानस्पतिक औषधियाँ जो होती हैं उनका मिश्रण करेंगे, उसके बाद में उसका योग बनेगा। तो इसको कह सकते हैं जैसे जो खनिज औषधियाँ उनके साथ वानस्पतिक जो औषधियाँ हैं उनका मिलाना इसको योग कहते हैं। तो निर्माण विधि क्या रहेगी इसकी, निर्माण विधि में कहा है जहाँ पर पारद और गंधक दो हैं, एक पारद और दूसरा है गंधक, ये दो हैं, अगर ये घटक द्रव्य हैं तो इनकी क्या है, एक तो आप ये आदत डाल लीजिए, जैसे पारद है, आप अभी पारद बोलोगे गंधक बोलोगे तो इसमें आपको आदत पड़ जाएगी, पारद गंधक, आप इसमें आदत डालिए शुद्ध पारद बोलनी है, हमेशा शुद्ध पारद ही लिखें, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में शुद्ध लिखोगे शुद्ध पारद इसका अलग इम्प्रेशन जाता है, तो आपको शुद्ध पारद ही बोलना है और वही लिखना है, तो शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक दो हैं। तो ये अगर सबसे पहले हैं तो इन ये दे घटक द्रव्य हैं, तो इनको सर्वप्रथम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजली बनानी है, और फिर इसकी जो कजली बनाई जाएगी इन दोनों की कजली बनेगी, कजली कजली निर्माण देखेंगे, तो कजली बनाकर इसको योग में डाली जाती है। अच्छा, जो ये क्या अशुद्ध होते हैं, ये पारद हुआ, गंधक हुआ, इसके अलावा मनशिला की बात करें, ये सब जो है अशुद्ध होते हैं, तो इनको शोधित रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये, तो सबसे पहले पहला पॉइंट हो जाएगा निर्माण विधि में, अगर शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक हैं तो इनकी सर्वप्रथम जो है कजली बनाकर योग में डाल जाती है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, जैसे गंधक है, मनशिला है आदि शोधित रूप में प्रयुक्त होती है, मतलब शुद्ध रूप में, शोधित रूप में प्रयुक्त होती है, किसमें, योग में, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे अभ्रक, मार्गशीर्ष स्वर्ण, रजत हो गया, ताम्र कांस्य, ये सब जो है इनकी भस्म बनाई जाती है। तो अगला पॉइंट हम लिखेंगे अभ्रक, मार्गशीर्ष स्वर्ण हो गया,
आप इसमें भी शुद्ध स्वर्ण शुद्ध रजत लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। रजत है ताम्र आदि, कहाँ से व्हाइट कॉपर, ये जो है ये औषधियां जो है भस्म के रूप में प्रयुक्त होंगी, भस्म के रूप में प्रयुक्त होती है किसमें, योग में। प्रयुक्त होती है तो इसमें क्या है। अच्छा अगर एक बात और, वनस्पति औषधियां जो है, वनस्पति औषधियां जो हमें पेड़ पौधों में मिल रही है, हरित की, विभक्त की, त्रिफला, त्रिकटु, ये सब जो है ये सूक्ष्म चूर्ण करना पड़ेगा इनका, सूक्ष्म चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण की फॉर्म में डाली जाएंगी। ठीक है तो यहाँ तक हो गई इतनी बातें। इसके बाद हम बात करेंगे कि फिर क्या होता है, इनको सबको पीस लेते हैं, हम हलवे में पीस लेते हैं, फिर इसका सोरस क्वाक जो भी भावना, ये जिस प्रकार से भी हमें इसको देना है, जो भी कल्पना हो तो करके इनकी भावना दी जाती है, निर्धारित समय तक इतनी देर भावना देनी है इनकी। तो इसके बाद क्या करना है, लास्ट पॉइंट कि खलबों में पीस कर, खलबों में पीस कर निर्धारित, लैंग्वेज आप चेंज भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है लैंग्वेज ये रखी, स्वरस क्वाथ इत्यादि, के साथ निर्धारित समय तक भावना दी जाती है। ठीक है तो इस प्रकार जो है इसका निर्माण विधि है, इस प्रकार इसका योग का निर्माण किया जाता है। ठीक, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है जो सभी प्रकार के योगों में इस्तेमाल होगा। ठीक है तो इसके बाद जो है, ये तो हो गया यहाँ तक। अब हम इसके बाद विभिन्न योग, कौन कौन से योग बताए गए हैं, जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको बताऊँगा इम्पोर्टेंट कौन से हैं, तो काफ़ी योग हैं, तो उन सब योगों की हम एक एक करके यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरोग्य वर्धिनी गुटिका। तो सबसे पहला जो योग है आरोग्य वर्धिनी गुटिका, जी हाँ, तो ये श्लोक है इसका आरोग्य वर्धिनी गुटिका का, देख पा रहे होंगे आप इसमें। अब हम ये श्लोक अगर हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं तो पूरा ये जो है योग है ये अपने क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मैं पर्सनली राय दूंगा कि ये जो श्लोक है, आप श्लोक याद कर लेंगे तो क्या होगा, आप ये भूलेंगे नहीं कभी भी, आपको श्लोक जो है अगर फिक्स हो गया तो आप भूलेंगे नहीं, याद रहेगा आपको। तो इसमें बात करेंगे हम इसका क्या अर्थ है, तो रस, रस गंधक लोहा अभ्र सुल्व भस्म समान सकम। तो सबसे पहले इसमें अलग अलग बातें हैं, हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम घटक द्रव्य इसमें क्या क्या है इस योग में। तो सबसे पहले घटक द्रव्य देखेंगे, तो घटक द्रव्य रस, रस यहाँ पे पारद के लिए प्रयुक्त हुआ है, रस जो टर्मिनोलॉजी है पारद का पर्याय के रूप में है, तो रस का मतलब हो गया पारद। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है शुद्ध पारद, ये शोधित फॉर्म में, तो शुद्ध पारद। ठीक, दूसरा है गंधक, गंधक हो गया तो शुद्ध गंधक, शुद्ध गंधक। तीसरा है लोह, लोह जो भस्म होती है, तो लोह नो डाउट हमने देखा था
भस्म के रूप में लिया जाएगा, तो लोह भस्म। अच्छा, इसके बाद है अभ्र, मतलब अभ्रक भस्म, बात की थी अभ्रक भस्म के रूप में लिया जाएगा, अभ्रक भस्म। अगला है सुल्व, तो सुल्व जो है ताम्र, ताम्र होता है उसका पर्याय है सुल्व, तो सुल्व भस्म, या फिर हम कहेंगे इसको ताम्र भस्म लिख लो आप, उसमें दो चीज़ याद हो जाएंगे आपके। तो सुल्व जो है वो ताम्र को बोलते हैं, ताम्र का पर्याय है सुल्व, ठीक है। इसके बाद है समा अंशकम, इनका सबका एक अंश है, तो इसका सबका लिख देंगे हम एक भाग, एक भाग, तो जो है ये नीचे एक भाग, एक भाग, तो यहाँ तक इनका सबका एक एक भाग लेना है। तो ये तो हो गए पांच जो घटक हो गए। इसके बाद, इसके बाद आगे है त्रिफला, ये घटक हो गए। इसके बाद आगे है त्रिफला, तो त्रिफला में हम सब देखते हैं हरित की लेते हैं, हरित की लेते हैं त्रिफला में, फिर विभिद की, इसके बाद क्या है आमल की हो गया, अदित की, विभिद की, आमल की। तो ये जो है ये त्रिफला है, ये हम क्या लिख देंगे इसको, हम त्रिफला लिख देंगे। ये आपको मीमांसा बुक अपनी उसमें मिल जाएंगे सर, और आपने अष्टांग में पढ़े होंगे पहले, तो ये हो गया। तो इसमें क्या है द्विगुणा, तो इनके जो है दो दो भाग लेने हैं सबके, तो इनके हम लिख देंगे दो भाग, दो भाग, और ये दो, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे त्रिगुणन प्रोक्ता त्रिगुणन से शिला जतु, तो इसके बाद है शिला जतु जो है उसका त्रिगुणन से तीन भाग, तो शुद्ध शिला जतु लिख देंगे हम, शुद्ध इसके बाद है चतुर्गुणम पुरम, तो यहाँ पे हम बात करेंगे शुद्धम चित्रमूलम का तत्सम, कि शुद्ध गुगलू एरंड मूल पुरम, शुद्ध गुगलू, चतुर्भाव, इसके बाद है तिक्ता, तिक्ता कटुका, तो जितने सबके भाग हैं उसके जितना जो कटुका लेना है तिक्ता, तो इसमें हो जाएगा कटुका, तो जितना सारा है उतना जो है कटुका लेना, तो इसके हो जाएंगे 22 भाग, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ तक हो गया सर्वम संचूर्ण यत्न, इसके बाद इनका सबका अपने को चूर्ण कर लेना है, तो ये इनके घटक द्रव्य हो गए। इसके बाद आगे क्या, आगे इसके बाद में दूसरी जो हेडिंग लगाएंगे, पहली थी घटक द्रव्य, दूसरी हम जो हेडिंग लगाएंगे वो जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी इसमें भावना द्रव्य क्या है। तो भावना द्रव्य की इसमें लिख रखा है नींबू वृक्ष, तो भावना द्रव्य जो है वो हम इसमें नीम पत्र ले लेंगे, नीम पत्र का स्वर से इसमें भावना दे लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसकी निर्माण विधि, निर्माण विधि क्या है, तो अभी जो आगे दो लाइनें हैं उनका हम आगे कर देंगे, फिर पेज पर बदल रहे हैं, तो इसमें निर्माण विधि का मैं आपको बता दूँ, आप लिखोगे, हो सकता है श्लोक याद ना रहे तो अपने वो कम से कम इतना हिंदी में तो याद होना ही चाहिए, निर्माण विधि, श्लोक का अर्थ और श्लोक दोनों ही आवश्यक हैं,
श्लोक याद रहेगा, आप कभी भूल लोगे नहीं, याद रहेगा आपके हमेशा। निर्माण विधि में क्या है, तो हमने बात की थी अगर मुख्य घटक अगर गंधक और पारद हैं तो उनकी कजली बनानी है, हमने पीछे बात की थी। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट रहेगा सर्वप्रथम, सर्वप्रथम शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक है यहाँ पे, तो इनकी जो है कजली बनानी है, शुद्ध गंधक की कजली। कजली बनानी है, फिर उसके अंदर भस्मों को मिलाना है, भस्मों को मिलाकर, भस्मों को मिलाकर मर्दन करना, मर्दन करें। अच्छा, इसके बाद हम अगला पॉइंट लेंगे, और क्या था फिर उसमें था उसके बाद कि उसके बाद फिर शुद्ध गुगलू को कूटकर, कूटना है कूटकर उसमें शुद्ध शिला ऋतु, और भी इसके अलावा कुछ हैं, ये मुख्य हैं, बाकी और जो जो द्रव्य हैं उनको शुद्ध शिला ऋतु आदि जितने भी थे उनको चूर्ण बना के एक खलवा में मिश्रित करना है। तो आदि द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बनाना है, सूक्ष्म चूर्ण बनाना है और करके क्या करना है, एक खलव में मिश्रित कर लेना है, खलव मिश्रित करना है। तो हमने भावना की, भावना द्रव्य की बात की थी, मिश्रित करके नीम पत्र की बात की, नीम पत्र सौरस, नीम पत्र सौरस की भावना देनी। तो भावना देके क्या करना, उसकी भावना देनी, अब देकर इसकी मात्रा, फिर भावना देकर दो दो रति की गोलियां बना दे, दो दो रति, दो दो रति की गोलियां बना दे। ठीक है, बनाकर रख लें। तो ये हो गया इसका जो अपनी आरोग्य वर्धनी जो बुटिका है वो हो गया। इसकी मात्रा क्या रहेगी, अब मात्रा, मात्रा होती है, ये हेडिंग है निर्माण विधि, एक हेडिंग है घटक द्रव्य भी हो गया, एक हेडिंग है फिर भावना द्रव्य कौन सा है, ये कुछ बातें हैं जिनको ये ध्यान में रखना है। तो मात्रा जो है वो 250 से 500 mg तक रख सकते हैं, मिलीग्राम mg। ठीक है, इसके बाद अनुपान द्रव्य क्या है, अनुपान जिसके साथ लिया जाए, तो अनुपान द्रव्य में हम कई आर्द्रक का सौरस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मधु, मधु जनरली क्या है, हम सब में तो नहीं कह सकते लेकिन मैक्सिमम में मधु, अगर आप एग्जाम में कर रहे हो और आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप मधु तुक्के के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, तो नीम पत्र सौरस। इसके अलावा छीर ले सकते हो, इसके अलावा जल भी ले सकते हो, आप जल भी एक यूनिवर्सल है। अच्छा, जनरली किस प्रकार की डिजीजेज में इसका उपयोग होता है, तो हम मुख्यतः इसका उपयोग देखेंगे तो कुष्ठ में हो जाएगा, मधुमेह डायबिटीज, इसके अलावा जीर्ण तीव्र बुखार होना, जीर्ण ज्वर, या फिर पुराना कह सकते हैं यकृत लीवर का कुछ भी यकृत विकार, यही सब है। ठीक, तो ये होगा।
अच्छा, इसके अलावा एक बात और कहना चाहूँगा, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य की, तो इसमें आप जो है थोड़ा सपोर्ट करें और कमेंट में अपनी कॉलेज का नाम मेंशन करें, कॉलेज का कर दें, यूनिवर्सिटी का कर दें, ताकि पता रहे कि वीडियोस कहाँ तक जा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद, और थोड़ा सपोर्ट किया करें। ओके।